हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा हो जाता है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, क्या मीनिंग होता है कंज्यूमरिज्म का। देखिए, अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर वो फाइनल पर्सन होता है जो कि किसी भी गुड्स को या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसे बोला जाता है कंज्यूमर। अब अगर मैं बात करूँ कंज्यूमरिज्म की, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक प्रोटेस्ट है, एक मूवमेंट है जो कि चलाया गया किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। अब कोई भी मूवमेंट अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती होगी। ऐसी ही इस मूवमेंट की, कंज्यूमरिज्म की एक वजह थी, और वो वजह थी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोचना, उनको एक लीगल टेबल प्रोवाइड करना, जो भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन लीगली उनके पास प्रोवाइड हो सके, कंज्यूमर के पास अपने राइट्स हों, कंज्यूमर को पूरा हक हो सेटिस्फेक्शन का, कंज्यूमर अपने डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सके, एक्वायर कर सके, और कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बन सके। इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, और ये कॉन्सेप्ट था कंज्यूमरिज्म। मीन्स ये वो मूवमेंट है, ये वो प्रोटेस्ट है जो कि बात करता है कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर। कंज्यूमरिज्म फाइट है अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर। मीन्स जो कंज्यूमर्स का हनन होता था, जो कंज्यूमर्स की दयनीय स्थिति थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया, जिसे बोला जाता है कंज्यूमरिज्म। अब अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, सो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले US में इंट्रोड्यूस हुआ। 1920 में एक प्रोटेस्ट हुआ था कंज्यूमर्स का, जिसकी वजह से ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, कंज्यूमरिज्म। मीन्स कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में प्रोटेस्ट था, ये एक मूवमेंट था जिसे बोला जाता है कंज्यूमरिज्म। आइए एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है। आइए अब इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कंज्यूमरिज्म का। सो कंज्यूमरिज्म इज अ फाइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। कंज्यूमरिज्म एक फाइट थी किसके अगेंस्ट में? एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट में। और वह एक्सप्लोइटेशन किसका? कंज्यूमर्स का। मीन्स कंज्यूमर्स के अधिकारों का जो हनन किया जाता था, कंज्यूमर अपनी बात को कहीं नहीं रख पाता था, कंज्यूमर के लिए कोई भी एक लीगल प्रोविजन, लीगल एक्ट नहीं बना था, कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन जो बढ़ता जा रहा था उसको रोकने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ कंज्यूमरिज्म। इट इज़ अ प्रोटेस्ट मूवमेंट इनिशिएट बाय वेरियस पब्लिक एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मूवमेंट था जो कि एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू द इंक्रीजिंग रेंज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डेट हैव टू सेटिस्फाई द नीड और टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमरिज्म बात करता है गवर्नमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिनको सेटिस्फाई करनी होती है कंज्यूमर की नीड और प्रोटेक्ट करने होते हैं कंज्यूमर के राइट्स। मींस कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो सके, इसलिए मूवमेंट चलाया गया था, और इस मूवमेंट को बोला जाता है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी सुना भी होगा। कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्ट आया, जिसका बैकग्राउंड या फिर जिसका बेस बोल सकते हैं आप कंज्यूमरिज्म को। आई होप आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर शॉर्ट में बोलूं कंज्यूमरिज्म का मीनिंग, सो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, उसे बोला जाता है कंज्यूमरिज्म। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अब पूछा जा रहा है कि कंज्यूमरिज्म होता क्या है। सो आपको अपने आंसर राइटिंग में एक डेफिनेशन जरूर लिखनी चाहिए। सो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर कौन थे? फादर ऑफ मार्केटिंग जिन्हें बोला जाता है, वो फिलिप कॉटलर थे। उनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, कंज्यूमरिज्म इज अ सोशल मूवमेंट। देखिए, एक ऐसा मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट मीन्स सोसाइटी की तरफ से ये मूवमेंट हुआ था। किस लिए हुआ था? कंज्यूमर के राइट्स को, बायर्स के राइट्स को, बायर्स की पावर को
प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करना है अब आपको, सेलर से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेलर से आपको प्रोटेक्ट करना है, मीन्स जो प्रोड्यूसर है, जो कि विक्रेता है, उससे आपके राइट, उससे बायर्स के राइट्स को, बायर की पावर्स को प्रोटेक्ट करना है और बायर्स को बताना है कि भाई आपके पास में ये राइट्स अवेलेबल हैं, आपके पास में ये पावर्स अवेलेबल हैं। देखिए काफ़ी सारे कंज्यूमर्स को पता नहीं होता कि उन्हें डेट भी चेक करके चीज़ों को लेना चाहिए। अगर वो एक्सपायरी डेट लेते हैं तो बायर के ऊपर केस कर सकते हैं कि इन्होंने एक्सपायरी डेट का कोई भी गुड्स वो प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, बट काफ़ी कंज्यूमर्स को इस बारे में पता नहीं होता है। सो उन्हें इंट्रोड्यूस कराना कि भाई आपके पास में ये राइट्स हैं, आपके पास में ये पावर है, ये वर्क भी किसका है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया किसके द्वारा, कंज्यूमरिज्म के द्वारा। आई होप आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया होगा कंज्यूमरिज्म होता क्या है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर कंज्यूमरिज्म, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्या नीड थी। सो फर्स्ट नीड यही हो जाती है कि स्प्रेड करना एजुकेशन, स्प्रेड करना नॉलेज, स्पेशली हायर एजुकेशन पर, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ताकि उन्हें उनके राइट्स के बारे में पता चल सके। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं, राइट टू हेयर, राइट टू इन्फॉर्म, ये डिफरेंट टाइप्स के राइट्स हैं, आपको पता होंगे, आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में राइट्स ऑफ कंज्यूमर स्टडी कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मीन्स ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कंज्यूमरिज्म जो प्रोटेस्ट चला उसका मेन मकसद यही था कि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं, कंज्यूमर के पावर जो हैं उनके पास में, उनके बारे में सबको बताया जाए, स्पेशली हायर एजुकेशन। देखिए बच्चों को इतना कुछ नहीं पता है, बट हायर एजुकेशन में जब एडल्ट आ जाते हैं, जब ये हायर लेवल की एजुकेशन होती है, तो उस टाइम पे आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्यू टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिस मूवमेंट बेसिकली टुक प्लेस। देखिए बात आ गई है वही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही बात करते हैं कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में, कंज्यूमर की भलाई के बारे में, कंज्यूमर के राइट्स एंड पावर के बारे में। इस एक्ट, इस कॉन्सेप्ट की, इस मूवमेंट की जरूरत इसलिए भी पड़ी ताकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, एंड कंज्यूमर रेटिंग का भी कॉन्सेप्ट इसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए कंज्यूमर रेटिंग क्या होती है, आप एवरी ईयर देखते होंगे कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट रहा, कौन सा फ़ोन ऐसा रहा जो कि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाया हो, या फिर कौन सी कार ऐसी रही जो कि बेस्ट रही। सो वो किसके थ्रू हो पाता है, कंज्यूमर जब रेट करते हैं उनको डिफरेंट क्राइटेरिया में, क्या वो उन्हें सेटिस्फाई कर पाई या नहीं कर पाई, क्या वो प्राइस फ्रेंडली रही, पॉकेट फ्रेंडली रही, क्या वो हर जगह पर अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो एक बेसिकली ग्राफ होता है, चार्ट होता है कंज्यूमर की रेटिंग का, वो भी कॉन्सेप्ट इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमरिज्म की, तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस है, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप इम्पोर्टेंस भी अच्छे से जज कर सकते हैं। फर्स्ट है, कंज्यूमरिज्म एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, मीन्स एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। कैसे, देखिए जब प्रोड्यूसर को पता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या नीड है उनकी, क्या वांट है उनकी, तो कंज्यूमर उनसे फुली सेटिस्फाई रहेगा और वो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बना सकते हैं, जिससे उनके बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है। कंज्यूमरिज्म हेल्प करता है इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या सप्लाई है एंड क्या प्राइस होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। देखिए काफ़ी सारे ऐसे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे या फिर आपने डेमो देखे होंगे जहां पर आपको कुछ भी चेक करवाया जाता है और पूछा जाता है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, क्या वो मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो वो सब कुछ किसके थ्रू हुआ, कंज्यूमरिज्म के थ्रू। The producer will be compelled to avoid unfair trade practices. देखिए पहले ऐसा होता था, एक पर्टिकुलर चीज के अलग प्राइस चार्ज किए जाते थे, दूसरे से अलग प्राइस चार्ज किए जाते थे। मीन्स जो एक प्रोड्यूसर का फ्रेंड होता था उसे वो सस्ते में दे देते थे, और जो दूसरे बायर्स होते थे उन्हें वो चीज महंगा पड़ती थी, यानी कि अनफेयर ट्रेड होता था। उससे अब काफी राहत है, सभी के लिए सेम चीजें हैं, सभी के लिए सेम राइट्स हैं, सभी के लिए सेम पावर्स हैं। नेक्स्ट, The consumer organization will maintain liaison with producer on the other hand and the government authority. Liaison का मतलब होता है एक अच्छा relation बनाकर रखता है consumerism किसके बीच में, producer के बीच में, government के बीच में and consumer के बीच में।
इट प्रोवाइड लीगल रिड्रेस मशीनरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस हो जाती है ये कि एक ये लीगल मशीनरी प्रोवाइड करती है. अब आपने देखा होगा कंज्यूमर कोर्ट्स भी होती हैं, सो वो किसके थ्रू होती है, ये एक लीगल मशीनरी इसने प्रोवाइड करके दी. एक लीगल सेटअप प्रोवाइड किया कंज्यूमरिज्म में, जिन्होंने बताया कि कंज्यूमर सर्वोपरि है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. सो कंज्यूमर के बारे में सोचना, कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में सोचना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई रखना, कंज्यूमर की नीड एंड पावर के बारे में बताना, वही था आपका कंज्यूमरिज्म. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज.